और चलिए अब हम आपको रूबरू करवा रहे हैं मोहना और मंसूर की प्रेम कहानी से। टोंक के पुरानी टोंक इलाके में बनी मोहना और मंसूर की मजारें प्रेमी युगलों के लिए आस्था का केंद्र हैं और आज भी यहां प्रेमी युगल मन्नत मांगने आते हैं। टोंक शहर के पुरानी टोंक क्षेत्र में बमूर गेट के भीतरी हिस्से में स्थित इस दरगाह पर न जाने कितने ही एक दूसरे को चाहने वाले आए और एक होने की मन्नत मांगकर वापस इस अरमान के साथ लौट गए कि वे भी मोहना और मंसूर की तरह हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। इस दरगाह के आसपास रहने वाले बुजुर्ग बताते हैं कि मंसूर अफगानी मूल के पठान योद्धा थे और लगभग 500 वर्ष पूर्व उस समय यहां आए थे जब टोंक को टुकड़ा के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि मोहना और मंसूर में इतना प्रेम था कि जब एक लड़ाई में मंसूर के शहीद होने की खबर मोहना को लगी तो उसने भी प्राण त्याग दिए। तब से लेकर आज तक इस दरगाह के अंदर बने दोनों के मजार युवा प्रेमियों के लिए आस्था का केंद्र बने हुए हैं। मंसूर मोहना के नाम से उनके पूरे वाकयात के साथ लिखा है, लिहाजा यहाँ एक दिन के सिलसिले में ये और मोहना इनके साथ थी और दो लड़कियाँ और बताई जाती हैं वो भी साथ थी। यहाँ आकर के शहीद हुए और यहाँ यहीं इनको दफना के वो लोग तो फौज वोज तो चली गई, उसके बाद ये कच्चा मजार था, नीचे है इसके मजार। मोहना और मंसूर की प्रेम कहानी के बारे में कहा जाता है कि किसी राजपूत शासक द्वारा मोहना को दो दासियों के साथ मंसूर के पास भेजा गया था ताकि वे अपने यौवन के जाल में मंसूर को फंसा कर अजमेर राजपूत राजा के सुपुर्द कर दें। लेकिन जब मोहना ने मंसूर की बहादुरी और बादशाह हजरत बिन यूसुफ के प्रति स्वामी भक्ति देखी तो वो उसकी इतनी आसक्त हो गई कि फिर कभी अजमेर नहीं लौटी और कालांतर में दोनों के बीच जो रूहानी प्रेम पनपा उसकी कहानी आज भी दरगाह के भीतर बने ये मजार बयां कर रहे हैं। इस प्रेम कहानी की खास बात यह भी है कि मोहना राजपूत थी जबकि मंसूर मुस्लिम, लेकिन इन दोनों के बीच जो प्रेम पनपा वो आज 500 साल बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही कहानियों में ज्यों का त्यों जिंदा नजर आता है। सच दच के और ऐसे पहुंचाया था तो इन्होंने अपने ईमान से ये हटे नहीं, डगमगाए नहीं, अपने कायम रहे अपने उसके ऊपर। और उन्होंने जब देखा राजा की लड़की ने मोहनी ने तो उन्होंने देखा कि ये तो ईमान पे कायम है और ये इससे जरा सा भी ठस्से मस नहीं हो रहा, तो इसलिए जो है उसने वो देखा कि तो ईमान है तो सच्चा ये है। मंसूर जो है एक अफगानिस्तान के पठान हज्जाज बिन यूसुफ के एक सिपे सालार रहे जिनको एक मोहब्बत एक इस लड़की की मोहब्बत खींच लाई और वो जहाँ लड़ते लड़ते यहाँ शहीद हुए और यहीं उनकी गर्दन कटी होगा। वो शहीद हुए, घोड़े ने वहीं पछाड़ खाई, घोड़े के जो घुटना टिका वो आज भी यहाँ चट्टानों के अंदर वो घोड़े के निशान आज भी मौजूद है। मोहना और मंसूर की इस प्रेम गाथा को भले ही लैला मजनू और श्री फरहाद की तरह लोकप्रियता नहीं मिली हो, लेकिन पीलू और नीम के पेड़ों के नीचे दोनों के मजार शायद यही कहानी बयां करते हैं कि इश्क दास्तान है प्यारे, अपनी अपनी जुबान है प्यारे, रख कदम फूंक फूंक कर नादा, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे। मनोज तिवारी, ईटीवी न्यूज, टोंक। Mm-hmm.